दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के टॉपिक पर। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत क्या है, इनके बीच में मूलभूत अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम ग्राम सभा को समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। हमारे देश में जो एक राजनीतिक व्यवस्था है उसकी जो हायरार्की बनी हुई है, वहां पर सबसे निचले स्तर पर जो है पंचायतों की जो व्यवस्था है, स्थानीय सुशासन की जो व्यवस्था है, और मध्य स्तर पर जो है प्रांत है, और उसके बाद जो है केंद्र की व्यवस्था है। तो इस तरीके से यहाँ पर तीन प्रकार की राजनीतिक प्रणालियाँ दिखाई पड़ती हैं, जिसमें सबसे निचले स्तर पर पंचायतों की व्यवस्था की गई है। इसमें जिला पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत, और निचले स्तर पर ग्राम पंचायत की व्यवस्था होती है। तो हम यहाँ पर बात आज करने वाले हैं ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बारे में। तो राजनीतिक व्यवस्था के हायरार्की में सबसे निचले स्तर पर, यानी कि एक गांव की निर्वाचक नामावली में शामिल मतदाताओं की संपूर्ण संख्या को मिलाकर के जो निकाय बनता है वो होता है ग्राम सभा। यानी कि कोई भी ग्राम सभा होती है उसमें छोटे छोटे पूर्वे और मजरे गांव शामिल होते हैं। उनकी संख्या 5, 6, 7, 8 तक हो सकती है, और उन 8 गांवों में जितने भी मतदाता होते हैं उनको मिलाकर के एक निर्वाचक नामावली बनती है, और उन निर्वाचक नामावली में सम्मिलित समस्त पंजीकृत मतदाताओं की संख्या को जो है यहाँ पे ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा के गठन के लिए न्यूनतम 1000 की जनसंख्या भी होनी चाहिए, 1000 की जनसंख्या न्यूनतम होनी चाहिए, और ऐसी जनसंख्या को पूरा करने के लिए 2, 3, 4 या इस तरीके से कई गांवों को मिलाया जा सकता है, जिनको मिला करके ग्राम सभा का गठन होता है। तो ये रही ग्राम सभा। इसी तरीके से ग्राम पंचायत, दोनों में क्या अंतर है, दोनों ही नाम व्यवहार में सुनाई पड़ते हैं, और अक्सर जो है इसी तरीके के क्वेश्चन इंटरव्यू इत्यादि में उस समय विशेष रूप से पूछे जाते हैं जब इस तरीके के जो चुनाव चल रहे हो। वर्तमान समय में भी इस तरीके की चुनाव की व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिसके लिए उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना भी जारी कर दिया है। तो यहाँ पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जिस तरीके से ग्राम सभा एक गांव की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित समस्त पंजीकृत मतदाताओं की संख्या होती है, उसी तरीके से ग्राम पंचायत जो है उन जो है ग्राम सभा के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का एक समूह होता है। यानी कि चुनाव के समय ग्राम सभा के द्वारा उस गांव के लिए चुने गए प्रतिनिधियों के समूह को ग्राम पंचायत कहते हैं। अब उस समूह में कौन कौन लोग आते हैं, एक तो सदस्य होते हैं और दूसरा जो है अध्यक्ष होता है। इसी सदस्य को पंच के भी नाम से जाना जाता है, जिनकी संख्या 7 से लेकर 15 तक हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस ग्राम सभा का आकार क्या है, उस आकार के आधार पर इनकी संख्या घट सकती है या बढ़ सकती है। और इसी तरीके से अध्यक्ष को कहीं कहीं पर मुखिया के भी नाम से जाना जाता है, इन्हीं को जो है प्रधान के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हीं को जो है सरपंच के नाम से भी जाना जाता है। ये अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्थाओं में राज्यों में इनके नाम है। सामान्यतः इन सभी लोगों के कार्य एक होते हैं। और अगर सरपंच की व्यवस्था देखी जाए तो सामाजिक और न्यायिक व्यवस्थाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। प्रधान मूल रूप से जो है ये विकास के कार्यों से जो है जुड़ा हुआ नाम है। और अगर देश के स्तर पर देखा जाए तो मुझे लगता है 1 या 2 स्टेट में, जैसे बिहार या इन जगहों पे छोड़ करके, लगभग सभी प्रदेशों में इन सभी नामों को, यानी कि अध्यक्ष, मुखिया, प्रधान और सरपंच एक ही होते हैं, जो कि यहाँ पर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यहाँ सदस्य भी प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ग्राम सभा एक जो है बड़ी जो है निकाय है, और ये जो है एक छोटी निकाय है, क्योंकि इसमें जो है इनके पंजीकृत मतदाताओं की संख्या जो है कहीं पर 1800, 2000, 3200, 1400 इस तरीके की संख्याएं होती हैं, और इसमें सामान्यतः अगर देखा जाए तो 20-22 की संख्या अधिकतम होती है। और इसी तरीके से यहाँ सदस्य, जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ सदस्य 9 हो गए प्लस 1 ये हो गए, तो 10 इनकी संख्या टोटल 10 हो सकती है। तो यहाँ पे 10 इनकी संख्या होगी। तो कुल मिलाकर के पंचायतें जो होती हैं, ग्राम पंचायत, तो छोटी होती है,
और ग्राम सभा बड़ी होती है। इसमें जो है सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। ग्राम पंचायत में जो है इन ग्राम सभा के द्वारा चुने गए सदस्य और प्रतिनिधि होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये छोटी संस्था होती है। यह इसकी जो है ग्राम सभा अस्थाई प्रकार की जो है निकाय है और ग्राम पंचायत इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। ग्राम पंचायत एक जो है कार्यकारी इकाई होती है जो कि सरकार की तरह से जानी जाती है, जैसे कार्यपालिका होती है उसके द्वारा नीति का निर्माण किया जाता है और जो भी कानून होते हैं उनको लागू करने का प्रयास किया जाता है। उसी तरीके से गांव के स्तर पर अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायतें जो होती हैं वो एक कार्यकारी इकाई होती हैं, सरकार के रूप में काम करती हैं, प्रति 5 वर्ष के बाद इनका चुनाव होता है। तो यहाँ पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों के बीच में जो बेसिक अंतर को हम लोगों ने इसके माध्यम से समझने का प्रयास किया। तो आज के संक्षिप्त वीडियो में बस इतना ही। अगले संक्षिप्त वीडियो में एक नई जानकारी लेकर के आप लोगों के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।